बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव सड़कों पर कंबल लेकर निकले। फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं उनको कंबल बांटते हुए नजर आए और दिशा निर्देश दिए कि कोई ऐसा ना सोए। अधिकारियों को कहा कि उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए, कोई भी गरीब को ऐसी परेशानी ना झेलना पड़े। मुख्यमंत्री चामुंडा माता वह रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ पर जितने भी लोग सो रहे थे उन्हें कंबल बांटा और इसी के साथ में यह जानकारी देते हुए बताया कि देखो मैं आज सुबह दिल्ली था, माने राजनाथ सिंह जी के साथ हम हरिद्वार गए, हरिद्वार के बाद देहरादून से इंदौर होते गए। मैं अभी उज्जैन आया हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने आगामी 2028 के कुंभ मेले के लिए भी साधु संतों को आमंत्रण दिया है और उनसे कहा कि आप उज्जैन आइए, उज्जैन को हम आपकी आगामी समस्या बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, नई सरकार नई गति के साथ पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को आगे बढ़ाते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रात के समय जो भी ठंड का माहौल है, ठंड का प्रकोप है, ऐसे में गरीब भाई बहन अगर पार्टी सोए हैं तो थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए और कोशिश करेंगे सबको रेन बसेरे की व्यवस्था कराए आने वाले समय में, जो कितने भी ठंड का कपड़े हो अगर खुले में है तो तक सके। लेकिन आज यदि हम रात में उठाते हैं भोजना तो ठीक नहीं है, लेकिन आगे समय में प्रयास करेंगे बजाय फुटपाथ को खाने के अपने अपने रेन बसेरे जो शासन की व्यवस्था है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के भी काम को सरकार चलाकर मदद